नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, पीएम मोदी ईमानदार नेता। अमेरिका के व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ईमानदार नेता बताया। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि मोदी का नजरिया पूरी तरह से स्पष्ट है और उनकी तथ्यों पर गहरी पकड़ होती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ओबामा से छठी मुलाकात पेरिस में हुई थी। मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी को ओबामा ने सराहते हुए कहा कि भारत के विकास को लेकर मोदी का नजरिया पूरी तरह से स्पष्ट है। मोदी उन मुद्दों को भलीभांति समझते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के हित में है। चेन्नई में पिछले 24 घंटे में बारिश न होने से लोगों को मिली राहत। चेन्नई महानगर में रहने वाले 86 लाख लोग भले ही बारिश के भीषण कहर से जूझ रहे हों, लेकिन उनके लिए फौरी राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटों से वहां बारिश नहीं हुई है। बारिश के कारण 50 ट्रेनें रद्द होने से चेन्नई रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट भी दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर 700 यात्री फंसे हुए हैं। तमिलनाडु में बारिश के कारण 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि तमिलनाडु पर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी से 14 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सोशल सर्विस एजेंसी में बंदूकधारियों की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई और अन्य 14 लोग घायल हो गए। गाड़ी से भागने की कोशिश में दो हमलावर मार गिराए गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से काफी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के दक्षिण भाग में लॉस एंजल्स से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। जब यहां 300 से ज्यादा लोग पार्टी मना रहे थे, तब तीन हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी।